ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 4 को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है और आए दिन इस फिल्म से जुड़ी कोई ना कोई अपडेट सामने आती भी रहती है। हालांकि इससे पहले खबरें आई थी कि इस बार क्रिश 4 में ऋतिक 4 अलग अलग रोल्स में नजर आएंगे और इसी के साथ फाइनली जादू की भी वापसी होने वाली है। मगर अब ताजा अपडेट की माने तो क्रिश 4 के लिए मेकर्स को इसकी सुपर हीरोइन मिल गई है। पिंक मिला की रिपोर्ट के मुताबिक राकेश रोशन has locked the whole script. The casting is underway. He will be getting Rohit and Jadu back for this part. That's not all. The plan is to have two leading ladies opposite Ritik. One of them is mostly going to be Kriti Sanon. Rakesh and Ritik needed someone who is a good actress and has an athletic physique to suit the superheroine avatar. Kriti fit the bill and she is their first choice. भाई वाह, कृति की तो निकल पड़ी। हालांकि वैसे कहा जा रहा है कि अब फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का पत्ता साफ होने वाला है और अब उनकी जगह कोई और एक्ट्रेस नजर आएंगी। मगर देखते हैं कि कृति के अलावा दूसरी एक्ट्रेस कौन होती हैं। मगर इसी के साथ फैंस इस बात को लेकर डिमांड कर रहे हैं कि अगर क्रिश 4 में मेन विलन के रोल में किसी एक्टर को कास्ट करना चाहिए तो वो है टाइगर श्रॉफ। दरअसल फैंस ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वॉर फिल्म में जैसे हीरो विलेन वाली केमिस्ट्री हिट रही थी, वैसे ही केमिस्ट्री की फैन डिमांड अब क्रिश 4 में की जा रही है। तो हो सकता है कि राकेश रोशन भी इस आइडिया को कंसीडर करें। हालांकि वॉर में ऋतिक ने विलेन का रोल निभाया था, तो वहीं क्रिश 4 में अब टाइगर को सुपर विलेन के रोल में देखना काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। मगर देखते हैं कि राकेश रोशन ये आइडिया कंसीडर करेंगे या नहीं। लेकिन ऑडियंस साफ बताइए, क्या क्रिश 4 में टाइगर श्रॉफ को प्ले करना चाहिए सुपर विलन का रोल या फिर किसी और एक्टर को? बताइए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।